नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल हिंदी न्यूज फर्स्ट रिव्यू अक्टूबर। वरुण धवन के करियर का बेस्ट इसे माना जाएगा। वरुण धवन स्टारर अक्टूबर खाड़ी देशों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को वहां के क्रिटिक्स ने शानदार रिस्पांस दिया है और फिल्म के बारे में बेहतरीन बातें भी लिखी गई हैं। जानिए खाड़ी देशों के क्रिटिक्स ने फिल्म को दिए हैं कितने नंबर। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर शुजित सरकार वरुण धवन और नीता संधू के साथ अक्टूबर लेकर आए हैं। फिल्म को देखकर ये तय है कि वरुण धवन को एक्टिंग भी आती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स की माने तो फिल्म जबरदस्ती की आर्ट फिल्म बनाने के चक्कर में कई जगह फीकी पड़ जाती है। फिल्म की कहानी एक शॉर्ट फिल्म के लिए अच्छी है, लेकिन पूरी फिल्म के तौर पर इसे देखना बीच बीच में उबाऊ होता है। फिल्म के मुख्य कलाकारों का अभिनय बेजोड़ है, लेकिन अक्टूबर में उत्साहित करने वाला कुछ नहीं है। फिल्म की ट्रेजिक कहानी है और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। ये उस तरह की फिल्म है जिसे ज्यादा आर्टिस्टिक होने में और बेतुका सा गंभीर माहौल बनाने में मजा आता है, जो कहीं कहीं आपके सब्र की सीम तोड़ेगा। आप वरुण धवन के लिए अपना दिल बिछा कर रख देना चाहेंगे। वो अपने किरदार को इतनी मासूमियत के साथ जीते हैं। उन्होंने अपनी सारी माचो इमेज को त्याग कर खुशी खुशी इस दुखी रोल को करने के लिए जान लगा दी है। बात करें बनिता संधू की तो उन्होंने एक ठीक ठाक हिंदी फिल्म डेब्यू कर लिया है। शिवली अय्यर का उनका किरदार और उनकी बड़ी आंखें काफी कुछ कहने की कोशिश करती है। वहीं उनकी मां के किरदार में गीतांजलि राव इल जीत ले जाती हैं। लेकिन इन सब खामियों के बावजूद अक्टूबर आपका दिल जीतेगी, क्योंकि फिल्म असल है, रियल लगती है। जबरदस्ती का मेलोड्रामा बहुत कम है और वरुण धवन वाकई चौंकाते हैं। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी खामी ये है कि इतना कुछ कहने के बाद भी फिल्म खाली रह जाती है, आप पर कोई असर नहीं छोड़ती है। कभी कभी आप खुद वो इमोशन महसूस करने की कोशिश करने में थक जाते हैं। इसलिए अगर आपको शिवली और डैन से जुड़ाव महसूस नहीं होता तो खुद को दोष मत दीजिएगा। डैन की कहानी फिल्म कहानी है डैन की, जो एक होटल इंटर्न है और उसकी लाइफ उसके दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं एक और इंटर्न है शिवली। दोनों की जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है और दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ जाती है। अक्टूबर लव स्टोरी नहीं है, लेकिन प्यार के बारे में एक कहानी जरूर है। हालांकि डैन शिवली के काफी करीब है, लेकिन क्या वो शिवली से प्यार करने लगता है, ये देखना है। वरुण की अच्छी कोशिश। वरुण धवन इस समय यंग स्टार्स में सबसे बैंकेबल एक्टर हैं। उनकी आखिरी फिल्म जुड़वा 2 ने शानदार बिजनेस किया है। अक्टूबर में वो कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपन मसाला इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जुड़वा 2, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और दिलवाले से पक्की हो चुकी है। अस्पताल में बीतेगी फिल्म डैन जीवन में बिल्कुल खाली है, उसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। लेकिन दुर्घटना के बाद उसे लक्ष्य मिल जाता है। फिल्म में इमोशन एकदम सटीक है। एक सीन है जहां वरुण अस्पताल में है और जानना चाहते हैं कि आगे क्या और कैसे होगा। वैसे आपको बता दें, फिल्म का ज्यादातर समय एक अस्पताल में बीतेगा, तो मन बना लीजिए। उभर कर आए हैं धवन बदलापुर की तरह ही अक्टूबर में वरुण धवन इमोशंस के सैलाब से गुजरेंगे। कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन वो स्क्रीन पर उतने ही मासूम और सच्चे कलाकार उभर कर आए हैं। कुछ शानदार सीन बनिता की मां का किरदार निभाया है गीतांजलि राव ने, जो वरुण धवन के किरदार के साथ एक रिश्ता सा बना लेती हैं। उन दोनों के मूमेंट्स फिल्म में देखने लायक हैं। शानदार म्यूजिक शांतनु ओइत्रा का संगीत शानदार है और फिल्म को पूरी तरह बांध देता है। हालांकि फिल्म ज्यादातर आप समझ जाएंगे, लेकिन हाँ, देखना चाहेंगे कि जो आपने समझा और जो होगा वो क्लाइमैक्स में कैसे होगा। अंत तक आते आते आपका धड़कन रुकेगी जरूर। फिल्म देखकर आप भारी मन से निकलेंगे। ओवर एक्टिंग से कोसों दूर बाहर निकलने के बाद दर्शक फिल्म को लेकर 2 विचारों के थे। कुछ को फिल्म काफी पसंद आई तो कुछ को नहीं। कुछ को लगा कि वरुण आ करियर बेस्ट यही है, लेकिन कुछ को लगा कि ये डॉक्टरी पर एक डॉक्यूमेंट्री है। हालांकि खलीज टाइम्स की माने तो फिल्म एकदम परफेक्ट तरीके से बुनी गई है, ना कम ना ज्यादा। कोई ओवर एक्टिंग, कोई मेलोड्रामा नहीं।
मसाला नहीं पसंद तो देखें, जहां खलीज टाइम्स ने फिल्म को 3 स्टार दिए हैं, वहीं गल्फ न्यूज ने फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं। देखिए भारत में फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। हो सकता है कि फिल्म सबके लिए ना हो, लेकिन शुजित और वरुण का कॉम्बिनेशन आपको देखना चाहिए। धन्यवाद।